नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, टेलीग्राम बोल रहे हैं कि सर इतनी कम सीट में सिलेक्शन कैसे होगा, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं कैसे हो पाएगा, इतना कॉम्पिटिशन है, मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे। तो आज की वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपकी आंखें खोल के रख दूंगा और आपको समझ आएगा कि भाई तुम्हारा भी सिलेक्शन हो सकता है। जब उनका सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। उसको कैसे मैं डिस्क्राइब करने वाला, पूरी वीडियो को देख लेना। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको केवल सिंगल एग्जामिनेशन नहीं है, और जहां पर जितने ज्यादा एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर सिलेक्शन होने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि पीएसटी पीईटी है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। इसमें आप सभी के 1600 मीटर की रनिंग है 6:30 मिनट में, ठीक है। फीमेल की रनिंग है आप सभी के 800 मीटर रनिंग है 4:45 सेकंड में, ठीक है। इसमें कोई बताने वाली चीज है नहीं, यानी कि जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे सभी को मौका किसे मिलेगा, आप सभी को पीएसटी। वीडियो पूरी देख लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। मिलेगा मौका, मिलेगा नहीं मिलेगा, सब बच्चे जाएंगे पीएसटी पीटी में, जितने फॉर्म भरेंगे, जिनका जिनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, चाहे 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने बच्चे सब जाएंगे फिजिकल देने। फिजिकल देने के बाद जो बच्चे फिजिकल में पास होंगे वो रिटर्न में बैठेंगे, रिटर्न में बैठेंगे बिल्कुल। और रिटर्न में आपको पता है कि रिटर्न के कुछ गुना बच्चे ही आप सभी के स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट में बुलाए जाएंगे। स्टेनो के लिए उन्होंने बोला है कि 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और टाइपिंग के लिए आप सभी के 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डीवी होगा, डीवी में कुछ बच्चे फेल होंगे, मेडिकल होगा, मेडिकल में कुछ बच्चे फेल होंगे। तो यानी इस बार आपने देखा कि अगर पीएसटी भी रखा गया तो फेल तो बच्चे वहां पर 101% होंगे, यानी कि जितने भी लाख फॉर्म भरे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने फॉर्म भरे जाए उसके जितने भी होंगे गुना, कुछ बच्चे तो फेल होंगे और रिटर्न में आएंगे। रिटर्न के बाद मेरिट आप सभी की बनेगी, मेरिट के बाद यहां पर आप जाओगे। तो यानी कि आप सभी देख रहे हो इतने ज्यादा फिल्टर हैं, तो यहां पर आपके चांसेस बनते हैं। कोई पीएचडी फेल हो जाएगा, कोई रिटर्न में फेल हो जाएगा, कोई स्किल टेस्ट में फेल हो जाएगा, कोई डीवी फेल, कोई मेडिकल फेल, फाइनली कुछ ही तो बच्चे बचेंगे। तो जहां पर फिल्टर ज्यादा होते हैं वहां पर सिलेक्शन होने की ज्यादा चांसेस होती है। अब बात यहां पर ही आती, मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अभी अभी पता है बीएसएफ की वेबसाइट पर नोटिस आया है, कल ही डेट में नोटिस आया था। यहां पर आप सभी से बोला गया, यहां पर एक भर्ती निकली थी, भर्ती किसकी आप सभी की, वाटर विंग की भर्ती निकली हुई है, जहां पर आप सभी की एसआई इंजन वगैरह मास्टर वगैरह की भर्ती है। वहां पर पहले क्या था, वहां पर पहले इन्होंने बोला था कि केवल 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन या रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद। उन्होंने बोला था कि आप सभी का 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा आप सभी का, ठीक है। मगर उन्होंने इसके बाद यहां पर बोल दिया है कि यहां पर जो मतलब कि रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद सेकंड फेज के लिए केवल 6 गुना, सेकंड फेज में इनका जो भी चीज होता हो, स्किल टेस्ट वगैरह जो भी होता हो, उसके बाद इन्होंने यहां बोल दिया कि नहीं, अब 6 गुना बच्चों को नहीं, 12 गुना बच्चों को, यानी कि 2 गुना बच्चों को बढ़ा दिया गया। तो क्या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आप यहां पर नजर डालोगे, यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो ये आपको एक नोटिस दिख रहा होगा। इस नोटिस में आप सभी को मैं बता दूं कि टोटल फिजिकल के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, फिजिकल के बाद रिटर्न के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो रिटर्न के लिए एसआई स्टेनो में देख लो, कॉम्पिटिशन देख लो मेरे भाई, एसआई स्टेनो में केवल 1205 बच्चे क्वालिफाई क्यों हुए थे उस समय, क्योंकि उस समय केवल एसटी की सीट थी, इसलिए ऐसा हुआ था। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 2,18,421 बच्चे जो थे वो फिजिकल के बाद रिटर्न के लिए क्वालिफाई हुए थे, इतने बच्चों का उन्होंने रिटर्न कंडक्ट कराया था। अब बोलोगे सर केवल 10 ही गुना तो बच्चे बुलाए होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, आप अगर आप देखोगे तो उस समय सीट कितनी थी, सीट आप सभी की 262 सीट थी, और 262 सीट में आप सभी देख सकते हो कि कितने बच्चों को बुलाया गया है, 4,553। अगर मान लो सॉरी 362 सीट थी, 362 सीट थी, 10 गुना बच्चों को बुलाते तो केवल कितने बच्चों को बुलाते, 3,620 बच्चों को बुलाते। मगर यहां पर देखो आप 4,200 बच्चे बुला, नहीं 600 बच्चों को ज्यादा बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये इस तरह से बुलाते, क्योंकि किसी किसी का नंबर क्या होता है, टैली करता है, किसी किसी के सेम नंबर होते हैं तो वहां बुलाते, तो 10 गुना बच्चे यहां पर। मगर आपको पता है इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है पूरी तरह से कंबाइंड हो रहा है, सीएपीएफ एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि आप सभी का सीआरपीएफ ये सब यहां। और टाइपिंग भी आप सभी को पता है, टाइपिंग इस बार हार्ड कर दी गई, पिछली बार आप सभी 10% मिस्टेक माफ थी, इस बार 5% मिस्टेक है, यानी कि टाइपिंग में ज्यादा ज्यादा फेल होंगे। तो यहां पर चांसेस आप सभी को बनता है कि जैसे टाइपिंग में बच्चे फेल होंगे उसके बाद आप सभी को पता है कि टाइपिंग में अगर उनको बच्चे मिल ही ना पाए, ठीक है, जितनी पोस्ट है उतनी सीट बच्चे मिल ही ना पाए, तो जाहिर सी बात है कि वो और बच्चों को बुलाएंगे। जैसे सीआरपीएफ में हुआ था कि और बच्चों को बुलाया गया था, 3-3 लिस्ट निकाली गई थी, लोग बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, किस वजह से नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, यही 5% मिस्टेक की वजह से। तो मैं बोल रहा हूं आप पॉजिटिव रहो, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो इन्होंने बोला है कि 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में स्किल टेस्ट के लिए, यानी टाइपिंग के लिए 10 गुना और स्टेनो के लिए 30 गुना बच्चों।
बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टाइपिंग बच्चे ज्यादा फेल होंगे तो आपको मौका मिलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे भाई सबसे ज्यादा फोकस करने की आपको कहां पर जरूरत है, रिटेन में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पीएचटी आप क्वालिफाई करके रिटर्न में, जैसे होगा रिटर्न में अगर आपका ज्यादा ज्यादा नंबर आएगा और मान लीजिए अगर मेरिट से कुछ कम नंबर भी रहा तो मेरिट डाउन होने के भी चांसेस यहां पर रहते हैं, ठीक है। इस बार मेरिट डाउन होने के भी चांसेस आप सभी करेंगे, तो हो सकता है कि मान लीजिए जो लिस्ट निकाली जाए पहली लिस्ट, और पहली लिस्ट में बच्चे फेल हो जाएं, तो हो सकता है सेकंड लिस्ट में आप सभी का नाम आ जाए। और बहुत सारे बच्चे जो सीआरपी में सेलेक्ट हुए हैं, कई सारे बच्चे सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट वाले बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं। फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आ रखा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट वाले बच्चे यहां पर सेलेक्ट हो रखे हैं। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि भाई यहां पर आप सभी मेहनत करो। देखो आप सभी की मेहनत के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि हमारा बैच तो आ ही चुका है, जो कि आपका 15 जून से शुरू हो रहा है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ चुके हैं, आपको भी अगर जुड़ना है तो जुड़ जाओ। कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल करो, 7311992, मात्र 499 में आप सभी को बैच मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे भाई तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। मैंने आपको कहा है कि मैं हर जगह आप सभी की हेल्प करूंगा, तो जो ये सब आप सभी के मन में बैठ रहा होगा कि सीट कम है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इतने सारे कैसे, भाई सब हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। अगर आप करना चाहोगे तो हो सकता है, नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आप सभी से कह रहा हूं, अगर अभी भी लग जाओगे, अपने टाइपिंग को अच्छा कर लो। मैंने आप टाइपिंग की वीडियो बना दी, अभी और वीडियो बनाऊंगा टाइपिंग के लिए, आपको और डिटेल में समझाऊंगा। रिटर्न के लिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना दी, रिटर्न की क्लासेस चल रही है आप सभी की। आप सभी फिजिकल की तैयारी करो, जो जो कर सकते हैं फिजिकल तैयारी की तैयारी करो। मतलब आप कुल मिला के लगे रहो भर्ती में। अगर आप लगे रहोगे, बोलते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, जो अड़ा रहेगा। सही बात है, ये सही बात उस लड़की ने सही कहा है कि लेवल सबके निकलेंगे मगर जो खड़ा रहेगा जो अड़ा रहेगा। तो अगर आपको भी लेवल निकालना है तो आपको लड़ता रहना पड़ेगा, मतलब कि आपको बिना सोचे लड़ना पड़ेगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको बस इतना समझना है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा क्योंकि मैं लगा हूं, मैं अड़ा हूं, और आपका लेवल जरूर निकलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आप इतनी मेहनत करने को तैयार हो। टाइपिंग की मैंने वीडियो बना दी 5% के हिसाब से, आप उसको देखो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो, पिछली वीडियो बना रखी है, आप उसको देखो। अपने तैयारी को अच्छा करो, अपने माइंड सेटअप को बनाओ, माइंड मैप बनाओ कि भाई कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल जान झोंक दो भाई, जान झोंक दो आप सभी। देखो 101% सिलेक्शन ना हो तो बताना, मैं आपको यहीं पे खड़ा रहूंगा। अगर आपने 101% दिया तो 101% सिलेक्शन आप सभी का होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ये मिथ के चक्कर में पड़े हुए झूठ जो फैला रहे हो ना कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, भाई मेरे बहुत सारे कमेंट आ रहे, बहुत सारे कॉल आ रहे, इन सबको इग्नोर करो और अपनी लाइफ में फोकस होकर बस तैयारी में लग जाओ। देखो सिलेक्शन जरूर होगा। और जिन बच्चों को भी हमारे बैच जुड़ना है, बैच में जुड़ जाए, 15 जून से हमारा शुरू हो रहा है। ये आखिरी मौका आप सभी को होने वाला है क्योंकि इसके बाद भर्ती में बहुत सारे और बदलाव होने को देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो भर्ती में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कंपटीशन बढ़ता जाएगा आप सभी का, ठीक है। इस बार आपने देखा होगा केवल 3 से 4 लाख फॉर्म ही भरे गए थे, 3-3.5 लाख फॉर्म ही भरे गए थे। इस बार आप सभी को ज्यादा फॉर्म भी भरने की उम्मीदें हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी को अच्छा कर लो, अपने डॉक्यूमेंट बना लो, टाइपिंग कर लो, सब कुछ अच्छा कर लो, इस बार सिलेक्शन लेके देखते हैं, ठीक है। बढ़िया रहेगा, वर्दी आपके नाम होने वाली है। चलिए फिर इन सब बातों से बदलता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।